अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सेल्फ हेल्प। ये देखो जी, हमारे पास ये एक फ़ैन है, इसको 20 साल पुराना है। गल्फ कंट्रीज़ के लिए ये चीज़ बनाई गई है, चाइना की। और इस तरह से इसके पंखा जाम हो गया, ब्लोर इसका जाम हो गया, वो तो हमने खोल कर सही करना है। देखें, इसमें इसकी कंपनी का स्टिकर भी लगा हुआ है, कुछ तो मिल गया। एसी 4 पोर्टेबल फैन, वोल्टेज 220, मेड इन चाइना। ठीक है, तो ये देखें पीछे इसकी जाली कितनी गंद से अटी हुई है। इसका ब्लोर भी अगर आपको नज़र आ रहा हो, दिखा सकूं मैं, तो ये देखें इसका ब्लोर जो है अंदर, ये भी गंद से अटा हुआ है। एक तो इसकी सफाई हो जाएगी, दूसरा इसका ब्लोर जाम हो गया है। उसको जो है हम देखें, मैं घुमा कर दिखा रहा हूँ, ये देखें ये ब्लोर जाम हो गया इसका। एक तो इसको ऑयलिंग हो जाएगी, दूसरा हम सफाई कर लेंगे और इसकी बॉडी वगैरह को भी साफ कर लेंगे। काफ़ी दाग वगैरह आए हुए हैं। ठीक है जी, हम अपने काम को शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम अपना काम शुरू करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चलें जी, काम शुरू करें। ये देखें, मैंने मोटर को खोल दिया। ओ, ये हार्ड है भाई, ये इसके अंदर से हार्ड है। तो इस साइड पर तो नहीं, तो फ्रंट साइड पर इसको थोड़ा सा तेल लगा कर देखते हैं हार्ड क्यों। देखिए जी, ये ब्लोर तो खोला है, ये ग्रिल भी मेरा दिल है उतार के इसे भी धो दिया जाए, काफ़ी अटी हुई है धूल से। देखिए हम साफ करके आए हैं बाहर, लेकिन ये खुल सकती है। इसको यहाँ से ओपन करता हूँ मैं।
देखिए ये चिटी हुई है नॉर्वे की यहाँ से। यहाँ से ज्यादा डैमेज है। इसको मैं ना कॉपर की वायर इसके ऊपर लपेट कर और उसको एल्फी लगा देता हूँ। इसके ऊपर एल्फी सी लगा देते हैं, ठीक है, पार्टनर के तौर पर। ऐसे करते चलो जी, स्ट्रिप को भी वॉशिंग पाउडर से और ब्लोर को भी धोते हैं, साफ कर लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये सब कुछ धुल के साफ सुफ होकर आ गया और मेरा दिल है कि यहाँ से तो बाहर से ऑयल बुशेस को चला जाता है, लेकिन इसकी जो निचली साइड पे बुश है उसको ऑयल कैसे किया जाए। क्योंकि सामने पेच नज़र आ रहे हैं, मेरा दिल है यहाँ से मोटर को बाहर निकाल लूँ, उसको ऑयलिंग ज़रूर कर लूँ। तो पहले भी मैंने तकरीबन गालिबा 2-2.5 साल 3 साल पहले ऑयलिंग की थी और अब भी ये सामने से ऑयल नज़र आ रहा था मुझे, लेकिन नीचे शायद वहाँ पे कमी बेशी है, तो उसको ऑयलिंग का करते हैं। तो इसको मैं खोलना शुरू करता हूँ यहीं से। मुश्किल लगता है मुझे तो, खुश क्या सेट पे है। ये भी देखिए खुश क्या, तकरीबन ड्राई है। इसको हम साफ करके तो इसको ऑयल लगाते हैं, मशीन का तेल। इसमें ग्रीस नहीं लगेगी, मशीन का तेल ही लगेगा इसमें।
क्योंकि नीचे अंदर अगर इसके अंदर चले जाए नीचे, तो नीचे स्पंज सा मौजूद है जो अपने अंदर ऑयल को जज़ब रखता है, और वो देखें नीचे फोम टाइप, तो एक्स्ट्रा ऑयल उसके अंदर जज़ब रहता है और कदर ज़रूरत जो है उसके मुताबिक उसको वो सप्लाई करता रहता है। इसको मैं साफ़ कर लूँ, साफ़ करके तो ऑयलिंग करते हैं। देखिए तकरीबन एक शीशी मैंने डाल दिया इसके अंदर, एक शीशी इसके अंदर डाल दिया। चलें अब इसको बंद करते हैं। ब्लोअर का पंखा फिट करता हूँ तो नीचे जाके इस पतली से टकराता है, गालबा में शक पड़ता है, ये साइड इस तरह घुमा लेते हैं, वो इस तरह ले आते हैं कि ठीक हो जाए, कि डायरेक्शन का फर्क है, इस तरह साथ फिर उसको इस तरह करते हैं। Very good. Goodbye. Allah Hafiz.